हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप ये देख सकते हैं कि स्क्रू है सामने, कुछ ड्रिल बिट्स हैं और कुछ स्क्रू बिट्स हैं, और आप अंदाज़ा लग ही गया होगा कि वीडियो किस टॉपिक पे होने वाला है। तो ये टॉपिक है मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्क्रू बिट्स, जो स्क्रू ड्राइवर जो बहुत सारे स्क्रू वगैरह खोलने के लिए या टाइट करने के लिए बहुत डिफरेंट टाइप के स्क्रू बिट्स आते हैं, तो उसके बारे में आज बात करेंगे कि कितने टाइप्स के स्क्रू बिट मार्केट में पॉपुलर है। आगे बढ़ते हैं। जैसे पहला है, वो कहलाता है स्लॉटेड बिट। स्लॉटेड बिट जिसको आपको माइनस बिट भी बोलते हैं लोकल भाषा में, इस टाइप के स्क्रू खोलने के लिए जिस बिट का इस्तेमाल होता है वो हो गया आपका स्लॉटेड बिट। और ये इस टाइप से अलग अलग साइजेस वगैरह में आता है। ऐसे कुछ फीचर्स देख लेते हैं। ये सबसे ज़्यादा यूज होता है क्योंकि ये बहुत ही बेसिक वाला है और हर घर में आपको इवन स्क्रू ड्राइवर मिल जाएगा आपको स्लॉटेड। और ये जनरली 1 से 8 mm का आता है इन जनरल छोटे वाले, बाकी ये बहुत बड़े साइज तक का भी आ सकता है, 18-19 mm तक का भी आ सकता है। ठीक है, अगला बिट आता है आपको ये कहलाता है फिलिप्स बिट। ये इनके जो फाउंडर थे, जिन्होंने इनको इन्वेंट किया था, उनके नाम पे है ये फिलिप्स बिट। ये इस टाइप के स्क्रू को खोलने के लिए इस्तेमाल होता है। और इसमें देख सकते हैं इस टाइप से इसके स्क्रूज होते हैं, बड़े छोटे साइज के स्क्रूज हो सकते हैं, वो हम कभी और किसी और वीडियो में देखेंगे। तो ये अगर देखा जाए तो ये भी बहुत ज़्यादा यूज होता है और ये स्लॉटेड से थोड़ा बेहतर होता है क्योंकि इसमें ग्रिप अच्छा होता है स्क्रू के साथ और खोलना और टाइट करना आसान होता है। और इसका रेंज है ना, ये फिलिप्स 000, ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये पतला, जो जितना पतला है उतना जीरो, बढ़ता जाके आपको TH-34 तक चला जाता है। ये कॉमन है, इससे बड़े भी हो सकते हैं लेकिन जनरली कॉमन साइजेज यही है। और अगर इसमें देखा जाए तो ये जो इनके इन्वेंटर थे हेनरी या फिलिप्स, उनके नाम पे ये स्क्रू का नाम रखा गया है जो उन्होंने पेटेंट कराया था। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देख सकते हैं ये है, ये आप देख सकते हैं इसको पोजी ड्राइव बिट्स कहते हैं। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से होता है। इसमें क्या है कि साइड में थोड़े से एक्स्ट्रा 4 और पोर्शन लगे होते हैं। ठीक है, अब पोजी ड्राइव बिट ऐसे होता है और इस टाइप के स्क्रूज को खोलने के लिए होता है। आप बोलेंगे कि ये बिल्कुल तो फिलिप्स बिट की तरह ही लग रहा है जैसा पहले होता था, मतलब देखा था, लेकिन आप देख सकते हैं फिलिप्स बिट थोड़ा सा अलग है और ये थोड़ा सा अलग है। इसमें एक्स्ट्रा ये 4 कॉन्टेक्ट पॉइंट होने की वजह से, ठीक है ना, ये इसका इम्प्रूव वर्जन है फिलिप्स का। ये एक्स्ट्रा कॉन्टेक्ट पॉइंट होने की वजह से ज़्यादा टॉर्क दे पाता है, अच्छे से टाइट होता है और खुलता भी है। तो ये फास्टनर की लाइफ भी बढ़ा देता है और बिट की लाइफ भी, ये थोड़ा इम्प्रूव वर्जन है। ठीक है, और ये इसमें एडिशनल 4 कॉन्टैक्ट पॉइंट और होते हैं, जितने कॉन्टैक्ट पॉइंट होंगे उतने अच्छा होगा। ये जनरली उसी तरीके से फिलिप्स की तरह 1, 2, 3, 4 के हिसाब से आता है पोजी ड्राइव बिट्स। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे कुछ और एग्जांपल है पोजी ड्राइव बिट्स के, छोटे बड़े साइज के। आगे चलते हैं, ये देखते हैं, इसको बोलते हैं टॉक्स बिट। ये स्टार की फॉर्म में होता है। इस टाइप के जो स्क्रू या नट आपको दिखते होंगे उसको खोलने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। और ये बिट कुछ इस तरीके से होता है। और अगर इसमें देखा जाए तो ये 6 साइड होते हैं स्टार की तरह, ग्रिप इसका बहुत अच्छा होता है, इससे बहुत अच्छे टॉक। और ये ना मतलब इम्प्रूव वर्जन होता है। ठीक है, और ये जो आपका स्लॉटेड और फिलिप्स वगैरह से बेहतर ये टाइटनिंग वगैरह करता है। ठीक है, ये जनरली T1 से T20 तक आता है। टॉक्स को T से डिनोट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 की तरह है। और इनके ये साइजेज है, ये जो जितने मतलब मशीन हो उतना खोल सकते हैं। जनरली वो टाइप उस टाइप की मशीनें जहाँ पे वाइब्रेशन ज़्यादा होता है वहाँ पे ये स्क्रू लगाया जाता है ताकि बड़े अच्छे से टाइट हो और अपने आप से वाइब्रेट होकर खुले ना। अगले बिट की बात करते हैं, वो है हमारा, आप देख सकते हैं टेम्पर्ड प्रूफ टॉक्स बिट। ये टॉक्स बिट ही है लेकिन ये बीच में एक और डॉट है, ये आप दिखाता हूँ मैं, जैसे फास्टनर ये देखिए, ये बीच में ये है ताकि कोई भी ना आसानी से इसको घुसा के खोल ना पाए। इसके लिए स्पेशल बिट है जिसके अंदर पीछे इस तरीके से होल होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये भी T1, T2, T3 इस तरीके से आता है और ये T25 तक भी है। और ये टेम्पर्ड प्रूफ है, इसको बोलना पड़ेगा आपको टॉक्स बिट अगर इस टाइप का होगा। इसलिए बनाया जाता है सिक्योरिटी पर्पज़ की वजह से, ताकि ये जैसे लिखा टॉक्स बिट का वेरिएंट है और ये हाई सिक्योरिटी है कि कोई भी स्क्रू लगा के सीधा खोल ना ले। जो ऑथराइज लोग हैं जिनके पास स्पेशल टाइप के बिट होंगे, जो स्क्रू बिट, वही इसको खोल पाएगा। तो इसलिए ये बनाया गया था कि कहीं बाहर नॉर्मल जिस सर्विस सेंटर में कोई खोल ना ले। हालांकि आजकल ये कॉमन हो गया है। इसका भी रेंज T1 से T20 है, कॉमन वाला है, इससे बड़े साइज का भी आ सकता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 25 mm वाला। अगले बिट की बात करें तो ये आपका होता है हेक्स बिट। हेक्स बिट जो इस टाइप के नट होंगे उसको खोलने के लिए इस्तेमाल होता है। ये देखिए इस टाइप के स्क्रू बिट आएंगे और ये हेक्सागोनल शेप का होता है, 6 कोना षटकोण के शेप का। ये 113 mm तक का जनरली कॉमन रहता है और ये बड़े बड़े साइजेस का भी आ सकता है। ठीक है, ये देखिए इस टाइप से है, ये इसके हेक्स हैं, अलग अलग साइज है। और इसमें देखेंगे, और ये जो आप मोस्ट कॉमन चीज़ आती है, ये एलन की के ही, अगर मान लीजिए पोर्शन में यहाँ से काट दूँ
छोटा सा, कि ये हेक्स बिट बन जाएगा। ये एलन की का ही एक रूप है बोल सकते हैं, एलन की हाथ से यूज होता है, इसक्रू ड्राइवर में लग जाएगा या मशीन में लग जाएगा, तो ये आपका हेक्स बिट हो गया। अगला देखते हैं, अगला है आपका स्क्वायर रिसेस बिट। जनरली मैं एक अलग वीडियो बना रहा हूँ जिसमें कम यूज होने वाले स्पेशल काइंड ऑफ स्क्रू बिट की बात करने वाला हूँ मैं, ये उसके लिए रखना चाहिए था मुझे, हालांकि मैंने यहाँ पे रख दिया है, और ये ज़्यादा कॉमन नहीं है, बट ये इस टाइप के स्क्रू वगैरह होते हैं उसको खोलने के लिए इस्तेमाल होता है। ये बहुत ही बेसिक सा है और ये इस टाइप के आपका बिट में लगता है, और ये यहाँ पे ना थोड़ा सा टैपर सा होता है, मतलब ऊपर ज़्यादा चौड़ा होता है और नीचे थोड़ा सा क्लोज होता है, पतला होता है, ठीक है। और ये जिन्होंने इसको इन्वेंट किया था उनके नाम पर है, ठीक है। और इसको दूसरा नाम एक रॉबर्टसन बिट भी कहते हैं, जिन जो इनका इन्वेंटर थे, ठीक है। और ये इजी ग्रिप के लिए बीच में टैपर लगा रहता है ताकि इसमें आसानी से घुस के इसको खोल दें, ठीक है। ये भी आपको 1, 2, 3 इस तरीके से साइज से आता है, ठीक है। ये थोड़ा कम चलता है, तो यही आपका है। इसके आगे आ जाता है एक, है ना, स्क्रू बिट में ये नट सेटर है। ये जनरली इस टाइप के जो स्क्रूज आपके होते हैं उसके लिए होता है, जिसमें आगे नट का शेप होता है। ये हेक्स की तरह ही होता है, लेकिन ये क्या है, अंदर से नहीं बाहर से पकड़ता है, मतलब एक सॉकेट्स की तरह देख सकते हैं, इस टाइप के होता है। इसको नट सेटर बोलते हैं, कई बार लोग इसको नट रनर भी बोल देते हैं, ये एक्चुअली में नट सेटर है। और ये हेक्स बिट की तरह ही होते हैं, और ये 1 से 11 mm तक जनरली कॉमन है, बड़े भी आ सकते हैं, बट ये जनरली छोटे साइजेस के होते हैं, क्योंकि स्क्रू इससे बड़ा जाने पे क्या होता है, ये नट बोल्ट बन जाता है। स्क्रू जनरली 1-11 mm तक का ही आता है, ठीक है। और ये सिमिलर टू सॉकेट्स के जैसा होता है। और इसकी बात करें तो ये ना ड्रिल मशीन के साथ भी यूज होता है। ये क्या कहते हैं, जनरली इसमें क्लैंप कर देते हैं या कोई हेक्स वाला जो सैंक होता है उसमें फिट हो जाता है, और ये इस तरीके से यूज होता है। तो यही ओवरऑल था हमारी तरफ से। आप अगर यहाँ तक आ ही गए हैं तो वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।